हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आज है अष्टमी, तो अष्टमी के लिए हम लोग अंजलि देने जाएंगे। अनाउंसमेंट हो रही है, सुनाई दे रहा है कि अंजलि देना है। तो उससे पहले अभी सुबह के बज रहे हैं अराउंड 6, तो 6 बज रहे हैं। तो मैं सबसे पहले पायश बना लेती हूँ और वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, बंगाली पायश की रेसिपी। तो चलिए बना लेते हैं पहले पायश और फिर उसी का ही भोग हम चढ़ाएंगे दुर्गा माँ को। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ पे कैसे दुर्गा पूजा होती है और हम उसी का ही भोग लगाने जाएंगे भगवान को। तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेट दूध लिया है, मैंने 150 लीटर जिसे कहते हैं 1.5 लीटर, क्योंकि इस हिसाब से ही मैं आपको माप भी दिखाऊंगी। जिस हिसाब से हम दूध ले रहे हैं उसी हिसाब से हमें चावल भी लेना है। जैसे यहाँ पे 100 ग्राम अगर चावल ले रहे हैं तो आपने 1 लीटर दूध लेना है, और यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चावल लिया है तो इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 लीटर दूध ले रही हूँ। और दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये ट्रिम वाला ही लिया है, अमूल ताज़ा जो होता है वही लिया है। आप जो है फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक कप दिखाया उस कप से मैं माप कर ये चावल लूँगी। और ये चावल हम लोग जो ले रहे हैं वो है गोविंदो भोग चावल। यहाँ पे हमेशा यही यूज़ होता है, कभी अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं या फिर जो भी कुछ अच्छे फेस्टिवल्स में अगर कुछ अच्छा पुलाव बनाना हो, भगवान को भोग लगाना हो या कुछ भी हो, तो उससे ही हम ये गोविंदो भोग चावल ही हम यूज़ करते हैं। तो मैं वापस से आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैंने 1.5 कप चावल लिया है और यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। यही इतना परफेक्ट एक माप है। आप अगर पायश बनाना चाहते हो कभी बंगाली स्टाइल, तो आप ये पायश, मैंने ये माप से पायश बनाइए, एकदम परफेक्ट आपका बन के निकलेगा। तो वो चावल को मैंने यहाँ पे धो लिया था, धोने के बाद अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसे मैं दूध में दे रही हूँ और इसे हम हल्के हाथों से पकने देंगे, एकदम मैंने हिलाएंगे एकदम हल्के हाथों से, क्योंकि ये चावल ना वैसे ही छोटे रहते हैं और फिर पूरी खिचड़ी बन जाएगी अगर ज़्यादा हिलाएंगे तो वो टूट जाएंगे, मैश हो जाएंगे और फिर एकदम पूरी खिचड़ी बन जाएगी। तो अब इसे उबलने देते हैं। तो उसके बीच में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एक थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाते रहिए बीच बीच में ही, बस ऐसे हिला लिया। और ये जो है पैंडन लीफ है, मैंने पुलाव पाता बोलते हैं इसे। तो जो खुशबू होती है ना गोविंदो भोग चावल की, तो एक खुशबू है ही, पकने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर ये पैंडन लीफ पुलाव पाता अगर किसी के पास भी अवेलेबल हो तो प्लीज़ डालिए, ये खुशबू दुगनी हो जाएगी और आपका पायस जो बन के रेडी होगा ना, लोग वाह वाह करते ही रह जाएंगे। ये अगर ये पैंडन लीफ पुलाव पाता उसमें जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट, मैंने टेस्ट क्या, बहुत अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है। तो बस इसीलिए ये पैंडन लीफ मैंने डाला है, और कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, हमारे यहाँ घर पे है इसलिए मैं देती हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं देती। तो बस ये हो गया है, ये अच्छे से उबलता रहेगा और आप इसे बस आप देख रहे हैं मैं कैसे एकदम हल्के हाथों से ये कर रही हूँ, हल्के हाथों से हिला रही हूँ, बस ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से हिलाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है, अच्छे से उबल रहा है दूध। तो क्या करेंगे, गैस को अप कर लेंगे सीम, मैंने एकदम लो भी नहीं, मीडियम पे ही रखिए जब तक ये चावल पकेंगे तब तक के, और बीच बीच में हल्के हाथों से हिलाते रहिए कि चावल नीचे लग ना जाए, बस इसीलिए मैं ये हिला रही हूँ, नहीं तो फिर और कोई बात ही नहीं है, बस चावल नीचे बैठ के लग ना जाए इस वजह से ही इसे हमें हल्के हल्के हाथों से हिलाना है। बस यहाँ पे ये ऐसे उबलता रहे, अच्छे से ये बन जाएगा तब तक। अभी और ये जो मलाई ऊपर की, आप ये जो मलाई देख रहे हैं ना, ऐसी ये मलाई आपने बीच बीच में से हटा देनी, और जो साइड में भी मलाई चिपक जाती है ना दूध कम होते होते घटते घटते, वो भी आपने हटा लेना है, उससे पायस का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे और 10-15 मिनट लगेंगे तो आप पायस बन के एकदम रेडी रहेगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं बंगाली। मेरे को पता है बहुत लोगों ने ये रेसिपी आगे शेयर करी है, पर हमारे घर पे पायस कैसे बनती है मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज अष्टमी का दिन है तो, और मुझे भोग भी लगाना है दुर्गा माँ को, इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ।
बस यहाँ पे ये पाए चावल एकदम अच्छे से पक गए हैं, आपको दिख रहा है दूध की कंसिस्टेंसी, दूध घट 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 गया है पूरा अच्छे से, यहाँ पे जितना कम होना था चावल अच्छे से पक गए हैं। तो बस इसे हम थोड़ा सा हिला लेंगे और बाकी का जो प्रोसेस है इसमें पायस में वो भी कर लेते। तो सबसे पहले ये जो पेंडन लीफ है, पुलाव पाता है, इसे हम साइड में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने नॉट बांध के दिया था पत्तों को, पर ये बनते बनते फिर ये खुली गया। और अब ये पेंडन पत्ते में जितना भी थोड़ा सा दूध लगा हुआ है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऐसा पानी दे देंगे, पानी दे के ये पत्तों को हटा देंगे। और यहाँ पे काजू किशमिश मैंने भिगा कर रखे थे, तो भीगे हुए काजू किशमिश हम इसमें दे दे रहे हैं, क्योंकि एकदम लास्ट में काजू किशमिश दे रहे हैं तो वो पकने का तो कुछ है नहीं, भिगा के रखने से क्या वो वैसे ही सॉफ्ट हो जाते, तो हमें इसमें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही में थोड़ा सा मैं केसर इसमें ऐड कर रही हूँ, ऐसे पायस में केसर ऐड करते नहीं है, पर ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, एकदम ऑप्शनल है, घर पे है अवेलेबल इसलिए ऐड किया है, नहीं तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करती मैं। तो बस ये ऐड हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे जो अमूल का जो ये दूध है, यही एक मेन इसमें चीज है हमारे इसमें, कि हम हमारे घर पे ये यूज होता है, बाकी किसके घर पे यूज होता है कि नहीं पता नहीं। तो यहाँ पे जो अमूल का एक पैकेट 10 रुपए का जो पैकेट है, वो पूरा दूध मैंने उसी पानी में मिक्स कर दिया है और उसको अब हम ये पायस में ऐड कर देंगे। और केसर को अपने अलग से गर्म दूध में बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो है मैंने इसमें ही ऐड कर दिया है, तो वो गर्म भाप से अपना रंग जो केसर का रंग है वो छोड़ ही देगा। और यहाँ पे जिस कप से मैंने चावल मापा था 1.5 कप, उसी कप से ही मैं 2 कप चीनी दे रही हूँ। तो 2 कप चीनी अराउंड यहाँ पे 100 ग्राम्स के अराउंड होगी, 100 या 150 ग्राम्स के अराउंड होगी, बस उससे ज्यादा नहीं। तो 150 ग्राम के अराउंड मैंने चीनी भी इसमें दे दी है, तो वही एकदम परफेक्ट बनी थी खीर, मैंने जो पायस है बहुत ही एकदम परफेक्ट बनी थी। तो आप ये माप रख सकते हैं कि मैंने 150 ग्राम दूध दिया था, 150 ग्राम मैंने 1.5 कप चावल दिए थे, और यहाँ पे फिर मैंने 150 ग्राम मैंने चीनी दी है, तो एकदम अच्छे से पायस बन के रेडी थी, ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा कम, बिल्कुल भी नहीं, एकदम मीडियम चीनी थी, जो जैसा लोग पसंद करते हैं आजकल हमारे घर पे ऐसा करते हैं, बाकी लोग भी ज़्यादातर आजकल कम चीनी खाना पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा बना था। और दूध की तो अपनी एक अलग से मिठास है ही। तो यहाँ पे जो मैंने अमूल पाउडर डाला था, वो इस वजह से ही डाला था क्योंकि जब हम चीनी देते हैं, चीनी देने के बाद जो एक पानी पानी फ्लेवर रहता है खीर में, वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो एकदम सोख हो जाता है ये दूध देने से, अमूल दूध देने से। और मैंने अगर पायस एकदम रेडी है, वो आपको इस तरह से पता चलेगा, ये जो ऊपर की मलाई जमी हुई है ना, ये है एकदम परफेक्ट पायस की निशानी। तो अब मैं यहाँ पे घर पे जो भगवान है उनको भोग लगाने के लिए सबसे पहले पायस निकाल लेती हूँ। और फिर बाकी का जो दुर्गा माँ के लिए ले जाना है वो अलग इसमें निकाल लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं पायस ले जा रही हूँ दुर्गा माँ के लिए, और भगवान को अंजलि भी देना है, पुष्पांजलि। तो हम लोग चले जा रहे हैं मंडप में। तो यहाँ पे मैं मंडप में आ गई हूँ, यहाँ पे बैच हो रहा है पुष्पांजलि, यहाँ पे मैं पंडित कर रही थी, भोग लगाना है, भोग लगा के सब दे दिया और यहाँ पे अंजलि हो रही है। आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जितना कर सकिए सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है।